कि सारे कितने सारे बच्चे हैं, ये सारे मेरे भाभी के बच्चे हैं, सॉरी मतलब दो बच्चे भाभी के। हेलो गाइस, तो आज मैं अपनी बुआ जी के आई हूँ। बुआ जी तो बंदवारे आई है, बुआ जी के यहाँ नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ इनके वहाँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैं आई हूँ अपने भाई के वहाँ पे, जैसे कि ये हमारे मतलब हमारे नीचे फ्लोर में रहते थे, लेकिन अभी उन्होंने वहाँ से खाली कर दिया है क्योंकि इनकी फैमिली थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए इन्होंने यहाँ से चेंज करके और मतलब दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। तो आज हम उन्हीं के घर पे आए हैं। तो अभी मैं दिखाते देख सकते हैं, अब मेरा बेटा है बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है और इसको पूरा अच्छे से मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खेलने की जगह भी है बहुत ही ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि ये छत पर ही पूरा से दो मतलब रूम बना हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा छत है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दो रूम है, एक ये वाला रूम है, एक ये वाला रूम है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये वाला किचन है, किचन भी बहुत ही प्यारा है, किचन की लाइट पर है। एक मिनट दिखाती हूँ आपको किचन। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये किचन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा खूबसूरत। तो मैं यहाँ पे पहली बार आज आई, मैंने सोचा कि आज मैं आ ही जाती हूँ क्योंकि फिर मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो और मेरा बेटा भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय कर रहा है ना। बेटा इंजॉय कर रहे हो ना, इंजॉय कर रहे हो ना, भाभी के पास ये कह रहा है मैं भाभी के पास आया। हाँ हाँ सही बोल रही, भाभी के पास ही आया, दीदी के पास आया है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या छत भी, वो यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे पूरे गमले अच्छे से लगा रखे हैं और यहाँ पे मैं छत पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा जो साइकिल वगैरह है बच्चों की वो भी डाल रखी है, और यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, और ये वॉशरूम एरिया है। और यहाँ से जब हम आएंगे नीचे, मैं सबसे ऊपर फ्लोर मतलब फोर्थ फ्लोर पर है ये, तो यहाँ से हम मतलब एंट्री करेंगे यहाँ से। और आप देख सकते हैं छोटा सा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा एकदम लगता ही नहीं कि यहाँ पे हम मतलब रेंट में रह रहे हैं, एकदम अपने घर की तरह यहाँ पे फील आ रहा है पूरा। मैं तो आई, मुझे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा है, पूरा अपने घर की तरह यहाँ पे फील आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता कि हम यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फ्रिज वगैरह, अभी इन्होंने बस दो दिन हुए शिफ्ट हुए, तो अभी इन्होंने सामान सही से नहीं मतलब अच्छे से रखा है, तभी ये रख लेंगे। और अब ये देख सकते हैं कि ये वाला एक रूम है, इनका बेटा है ये। तो अभी ये टीवी वगैरह अभी और भी जो बेड वगैरह यहाँ पे इन्होंने सेट नहीं किया है, तो अभी वो सेट करने वाले हैं। और ये मेरा बेबी चेयर पर बैठा है, और बाकी के लोग ये सारे कितने सारे बच्चे हैं, ये सारे मेरे भाभी के बच्चे हैं, सॉरी मतलब दो बच्चे भाभी के और बाकी और ही पड़ोसी के हैं। अब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ दिखा दिया, ओ गुल्लर, गुल्लर नाम है इसका, गुल्लर गुल्लर गुल्लू 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 नाम है ना। हेलो कर दो, हेलो सारे बच्चे करो, टाटा कर दो, टाटा हेलो 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 फ्रेंड्स। यहाँ पे पूरा अपना सा फील आ रहा है, पूरा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत पूरा अपना सा फील आ रहा है यहाँ पे। शाम के 5, अब देख सकते हैं कि मौसम भी ढल रहा है, हल्की फुल्की धूप है, 5 अभी नहीं बजा होगा, 4:30 ही हो रहा होगा, और सारे बच्चे खेल रहे हैं और मेरा बेबी तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। आप देख सकते हैं कि पूरे बॉल में लगा हुआ है, पूरे तरीके से खेल रहा है, पूरे तरीके से हैप्पी है। और यह है छोटी सी गुड़िया बेटी, हेलो हेलो। हम इनके ही बर्थडे पार्टी में गए हुए थे और अभी हमारा नाश्ता बन रहा है, नाश्ते में हमारा बन रहा है पास्ता बन रहा है और गर्मा गर्म चाय बन रही है। तो आपको हम दिखाते हैं, तो वो मतलब जो चाय और जो पास्ता है वो बना रही है मेरी भाभी, तो मैं उनको नहीं दिखा सकती। तो आप देख सकते हैं कि अभी ओनियन वगैरह टमाटर वगैरह सब कुछ कट गया है और गर्मा गर्म चाय रेडी है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो पास्ता है वो भी रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ब्लॉग के साथ जरूर बने रहना, अगर आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगे तो बस एक लाइक करना। और तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा भी गर्मा गर्म पास्ता बन रहा है, अभी बनके मतलब रेडी हो ही चुका है, बस एक दो मिनट में पूरी तरह से ये रेडी हो जाएगा, तब तक के लिए हम चाय और नमकीन वगैरह खा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आप अगर आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगे तो बस एक लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और आपके प्यार से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है।
फ्रेंड्स अभी हमारा पास्ता बन के रेडी हो ही रहा था तब तक हमने सोचा कि अभी हम चाय और नमकीन साथ में बैठ के खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम नीचे ही बैठ के खाने वाले हैं, क्योंकि जो मज़ा हम नीचे बैठ के खाने में जो फील आती है ना, वो बिल्कुल कुर्सी मेज पे तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और जब सब साथ में हो तो आराम से, मतलब जब नीचे बैठ के सब सब खाते हैं एक साथ, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। आप सबको कैसा लगता है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड आज के जो ब्लॉग हम आज यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगे तो बस एक लाइक करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।